हर हर महादेव। हमारे पास एक प्रश्न आया हुआ है, विकास आमेटा जी हैं, इन्होंने प्रश्न किया है कि गोमुखी कैसी होनी चाहिए और गोमुखी के बारे में, इसके प्रमाण के बारे में बहुत लोगों से पूछा और कहीं से भी जो है संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। तो कृपया आप गोमुखी का लक्षण बतलाएं, उसका महात्म्य भी बतलाएं। तो देखिएगा आमेटा जी, गोमुखी माने क्या होता है? गोमुखी माने हैं गाय के मुख जैसे वस्त्र की सिली हुई एक थैली, है ना, जो माला वस्त्र जिसको कह सकते हैं, जिसमें माला रख करके जप करना है। तो वो गोमुखी माला जपने की जो है थैली, वो किस वस्त्र की होनी चाहिए, कितने आकार प्रकार यानी लंबी चौड़ी होनी चाहिए तथा किस रंग वर्ण की होनी चाहिए और कैसी नहीं होनी चाहिए तथा माला को यदि बिना ढके अर्थात बिना गोमुखी के जप करने से क्या होता है, क्या दुष्परिणाम है, इन सभी बिंदुओं पर वह विचार करते हैं। देखिए, अब सर्वप्रथम जैसे आपने पूछा है तो गोमुखी का प्रमाण देखिए, मतलब कितना लंबा चौड़ा बड़ा आकार प्रकार का वो जो है गोमुखी का होना शास्त्रों में कहा है। देखिए, एक मुंडमाला तंत्र है, उसका एक श्लोक है, देखें, चतुर्विंशांगुलमितं पट्टवस्त्रादि संभवम् निर्मायाष्टांगुल मुखम ग्रीवायां षड्दशांगुलम् गेयम् गोमुख यंत्रंच सर्वतंत्रेषु गोपितम् तन्मुखे स्थापयेन्मालां ग्रीवा मध्यगते करे प्रजपेत विधना गुह्यम् वर्णमालाधिकं प्रिये निधाय गोमुखे मालां गोपयेन मातृजारव। कह रहे हैं भगवान शंकर ने बतलाया कि चतुर्विंशांगुलमितम, 24 अंगुल की होनी चाहिए, 24 अंगुल जो है लंबी। गोमुखी ऐसी होती है, देखिए माला झोली जो बतला रहे हैं, ये जो है गोमुखी, इसके लिए कह रहे हैं कि चतुर्विंशति अंगुल। तो यहां से लेकर के देखिए ये जो लंबाई है, ये लंबाई, ये वीडियो में सही नहीं दिखेगी, यहां से यहां तक की यूं समझ लीजिए कि ये 24 अंगुल की होनी चाहिए, ये लंबाई यहां से यहां तक, ठीक है जी। इसके लिए कहा गया है कि चतुर्विंशांगुल में तम पट्ट वस्त्राज संभवम, पट्ट आदि वस्त्र से, आगे कहेंगे कि कार्पास वस्त्र संभवम, वाह, ये पट्ट वस्त्र यानी रेशमी वस्त्र की होनी चाहिए, रेशमी वस्त्र की, ये भी हमने लगा दिया इसमें, ये इसको बांधने के लिए है। तो अभी देखिए और कह रहे हैं निर्मायाष्टांगुल मुखम, ये 8 अंगुल का मुख होना चाहिए ताकि हाथ अच्छी तरीके से चला जाए, ये मुख है, इसमें जो हाथ चला जाता है, ये दक्षिण हस्त इसमें प्रवेश कराते हैं, ये तो ये मुख जो है 8 अंगुल का होना चाहिए, ये है। और ग्रीवायाम षड दशांगुलम, ये ग्रीवा जो है 16 अंगुल की, ये ग्रीवा कहलाती है, ये यहां से लेकर के यहां तक का ये जो भाग है, ये इसकी ग्रीवा है, गला है, तो ये 16 अंगुल का होना चाहिए, ये कह रहे हैं। षड दशांगुलम गेयम गोमुख यंत्रंच सर्व तंत्रेषु गोपितम, ये जो है इस तरीके की जो बनी हुई ये वस्त्र की थैली है वो गोमुखी कहलाती है। तन मुखे स्थापयेन मालां ग्रीवा मध्य गते करे, तो इसके अंतर्गत ये जो है माला की स्थापित, माला को स्थापित करना चाहिए, माला जैसे,
और ग्रीवा मध्य गते करे, ग्रीवा में जो है मध्य में जाकर के कर माने हाथ को स्थापित कर लेना चाहिए। और ये जो है तर्जनी है ये बाहर निकाल लेने का शास्त्रों में विधान है। प्रजपेत विधना गुह्यम वर्णमाला अधिकम प्रिय, फिर इसको जो है माला को गोपित करके इसको भी यहाँ बांध सकते हैं ये जो, ताकि ये सुविधा के अनुसार है, गिरे नहीं माला, ये भी अशास्त्री नहीं है ये, और हृदय पर धारण करके फिर जप किया जाता है। तो ये जो है माला का, माला सदा गोपित गुप्त रूप से रख करके ही जप करना चाहिए। अब देखिएगा माला का रंग कैसा होना चाहिए, माला जो है थैली का गोमुखी का, तो कह रहे हैं कौशेयम कौशेयम रक्त वर्णंच पीत वस्त्रम सुरेश्वरी। कौशेय होना चाहिए यानी कौशेय माने रेशमी वस्त्र, रक्त वर्ण लाल वर्ण की होनी चाहिए, पीत वस्त्रम सुरेश्वरी अथवा पीले रंग की भी चल सकती है। देखिए पीत वर्ण की ये वैसी आकार प्रकार की जैसी शास्त्रों में बतलाई गई है ये। अब कह रहे हैं कि जो है ज्यादा रंगों वाली नहीं होनी चाहिए, जैसे कि चित्र विचित्र रंग ले लिया या और काली नीली और वर्ण की ले ली, ऐसा जो है शास्त्रों में फिर निषेध है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अथ कार्पास वस्त्रेण यंत्र तो गोपये सुधि, कार्पास वस्त्र अथवा यानी ये जो है कपास की सूती, सूत की भी, सूती वस्त्र की भी बनाई जा सकती है। वाससाच्छादयेन मालाम सर्व मंत्रे महेश्वरी, कोई भी मंत्र का जब करना है किसी भी माला पे करना है, जिस जिसका शास्त्र में जो जो मंत्र के लिए मालाएं भेद हैं, सभी मालाओं को गोपमुखी में स्थापित करके माला को आच्छादित करके ही जप करना चाहिए। न कुरियात कृष्ण वर्णम तु न कुरियात बहुवर्णकम, काले रंग की माला जो है ये गोमुखी नहीं लेनी चाहिए और न ही बहुवर्णकम, चित्र विचित्र रंगों की भी भर जाए। न कुरियात रोम जम वस्त्र मुक्त वस्त्रे न गोपये, कह रहे हैं कि रोमजम यानी ऊनी नहीं होनी चाहिए, रोमा ही तो होता है अभी का यानी भेड़ का, तो उससे बनी हुई नहीं होनी चाहिए, अर्थात ऊर्णमयी गोमुखी नहीं है, निषिद्ध है शास्त्रों में। न कुरियात रोमजम वस्त्रम, निषेध कर रहा है इसलिए। और बाएं हाथ से जप नहीं करना चाहिए, दाएं हाथ से ही जप करना चाहिए, माला को ढककर के ही जप करना चाहिए। कह रहे हैं वस्त्रेनाच्छादि च करम दक्षिणम या सदा जपे तस्य स्यात् सफलम जाप्यम तद ही नम फलम स्मृतम। और इससे वस्त्र से ढककर के नहीं जप कर रहे हैं या जो है जिस प्रकार से जप करने का जो विधान है वैसे नहीं कर रहे हैं, तो वो जो है जप मुख्य नीप से जब सिद्ध नहीं होता है, उससे सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती है, वो जब विफल हो जाता तस्य स्यात् विफलम जपम, अतएव जपार्थम सा गोमुखी ध्रियते जनई ही। देखिए जो गोमुखी को धारण नहीं करते हैं उनका जप निषिद्ध बतलाया जा रहा है, इसलिए अतएव जपार्थम सा गोमुखी ध्रियते जनई ही, जनों के द्वारा साधकों के द्वारा सदा गोमुखी ध्रियते, गोमुखी को धारण करना चाहिए। आपस्तम धर्म सूत्र की व्याख्या में मनु वृद्ध मनु का वचन है ये। अब जैसे लिखा हुआ है कि गोमुखी को जो है मणिबंध तक, ये जो है जैसे मणिबंध है ये, जहां ये मणि बांधते हैं ना ये कलावा, इसको मणिबंध कहते हैं, तो यहां तक ढक लेना चाहिए हाथ को। ये देखिए आ गया ना पूरा हाथ ढक गया, तो अगर मणिबंध पर्यंत हाथ को नहीं ढका तो भी वो जप निषिद्ध ही है, शास्त्रीय जप नहीं है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है जिस गोमुखी के लिए वैसी गोमुखी रहनी चाहिए। और आजकल जो माला झोली ले लेते हैं, माला झोली जिसको कह रहे हैं, ये जो है एक अलग प्रकार का बना देते हैं, एक जो हमारे गुरुजी कहते हैं कि वो उसका आकार प्रकार कैसा होता है, बोले वृषभ अंडकोशवत,
तो वृषभ अंडकोशवत ये जो है एक लटका लेते हैं जिसको माला झोली कहते हैं, तो वो झोली जो है वो निषिद्ध है, वो नहीं होनी चाहिए। गोमुखी का ही शास्त्रों में वर्णन है और गोमुखी ही होनी चाहिए, वो तो शास्त्रों में निषिद्ध है, उसको नहीं लेना चाहिए। ये कृत सार समुच्चय ग्रंथ है उसमें भी बड़े विस्तार पूर्वक ये माला के लिए जो गोमुखी का विधान है वो सब उसमें लिखा हुआ है। तो ये मणिबंध पर्यंत ढकने का शास्त्रों में विधान है ये, और उसके अलावा इस तरीके से रखना, अपने मनमानी जो है बनाना, ये सब जो है अशास्त्रीय है। हमारे यहाँ शास्त्रों में जो भी जो कर्म करने को शास्त्र ने कहा है वही करना है, तो शास्त्रों ने जिस कर्म को करने के लिए कहा है वो कैसे किया जाए ये भी शास्त्रों में बतलाया गया है। वो कर्म कैसे करना है, उसमें प्रयुक्त होने वाले सभी सहयोगी पदार्थ, जैसे पवित्री कैसी हो, आचमनी कैसी हो, कैसे आचमन करना है, कैसे माला कैसी हो, कैसे पकड़ना है, कैसे जप करना है, सब शास्त्रों में बतलाया गया है। तो उसके अतिरिक्त शास्त्र विहीन, शास्त्र पद्धति से हट करके जो भी कार्य करते हैं वो अशास्त्रीय ही है, वो आपको कभी भी विजय विभूति या सुख संपत्ति या आपके अभीष्ट की सिद्धि नहीं कर सकता। इसलिए हमारा प्रत्येक कार्य शास्त्रीय ही होनी चाहिए, शास्त्रीय विधि से ही होना चाहिए, मनमानी ढंग से नहीं। आपको लगा रहे इसमें सुविधा है, तो वो सुविधा वाला नहीं करना है, हमें वही करना है जो शास्त्र कहते हैं। ठीक है जी। हर हर महादेव।